मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो दोस्तों, वही आज फिर मैं सुबह खेत पे आया हूँ। आप देख सकते हो ये हमारी मोटर चालू है, यहाँ पर इधर से पानी जा रहा है खेतों में। और आप देख सकते हो रंगलाल खेत में पानी फेर रहा है। और सुबह देख सकते हो आप, सूर्य उदय हो चुका है। सूर्य की किरणें पूरी तरह फैल चुकी है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा कि किसान कैसे सरवाइव करते हैं नाइट में, कैसे खेतों पर रुकते हैं। तो दोस्तों, फाइनली कुएं पर पहुंच चुका हूं। और सबसे पहले अपन दर्शन करते हैं भगवान गणेश जी का, श्री गणेशाय नमः। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किसान खेतों पर अपना जीवन कैसे गुजारते हैं, जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तब उन्हें क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले दोस्तों, ये आप देख सकते हो हट झोंपड़ी, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा ठंड पड़ती है, खोरा गिरता है, तो बिस्तर भी गीले हो जाते हैं और ठंड ज़्यादा लगती, इसलिए सेफ्टी के लिए हट को बनाना बहुत ज़रूरी है। ये देख सकते हो, सबसे पहले लकड़ियाँ काट के ये पिलर बनाए जाते हैं। और तापने के लिए देख सकते हो लकड़ियाँ इकट्ठी कर रखी है। और ये कुछ बर्तन भी पड़े हैं चाय बनाने के लिए। और देख सकते हो आप, ये रंगलाल ने टेबलेट भी रख रखी है, क्योंकि उसके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है इस वजह से। और ये देख सकते हो, ये इनका बिस्तर जहाँ पर नाइट में स्टे होता है। और भी मैं कुछ दिखाता हूँ दोस्तों। और ये सबसे मेन टूल, क्योंकि रात को खेतों में जानवर भी आते हैं, तो टॉर्च के द्वारा देख लिया जाता है, डिटेक्ट कर लिया जाता है। और जब लाइट चली जाती है तो इसका यूज़ बढ़ जाता है। तो इस तरह की किसान सरवाइव करते हैं नाइट में, सोलो नाइट भी इसको बोल सकते हैं। और इधर सामने भी देख सकते हो, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, एक झोंपड़ी ये बनी है हमारे खेत के पास में ही। तो इस प्रकार से किसानों का जीवन होता है जो नाइट में खेतों पर स्टे करते हैं। और देख सकते हो रंगलाल अभी खेत में पानी फेर रहा है। और इधर का माहौल कुछ ऐसा है दोस्तों, देख सकते हो। तो आई होप दोस्तों, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। किसान कैसे सरवाइव करते हैं झोंपड़ी में और नाइट में, उनका जीवन कैसा होता है, कैसे वो जानवरों से, खोरे से, बारिश से और ठंड से अपने आप को बचा के रखते हैं इस प्रकार की झोंपड़ियों में। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।